तो इसके ऊपर पहला न्यूमेरिकल है, अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ वी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बी वेक्टर गिवन है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। क्या क्या गिवन है? चार्ज गिवन है कूलम में, क्या गिवन है? वेलोसिटी कहाँ गिवन है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पर क्या आएगा? आई कैप। क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सब कुछ वेक्टर में है, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी। आपको क्यू पता है, आपको वी वेक्टर पता है, आपको बी वेक्टर पता है। आप इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट लें, हल्के ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट है आई को जे के साथ, आई क्रॉस जे, आई को के साथ, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस जे क्या होता है? के। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। आंसर। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क करने हैं, ऐसा फील होगा जैसे प्लस टू नहीं चल रही, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी करेंगे आंसर आएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी। तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ एक प्रोटोन को हमने नीचे गिर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है साउथ से नॉर्थ। और प्रोटोन कहाँ गिर रहा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे होता है, तो ये साउथ से नॉर्थ है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। मैंने नॉर्थ साउथ ऐसे नहीं लिया क्योंकि चार्ज को मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड गिरना है, तो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो नॉर्थ साउथ ऐसे ले लो और वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे ले लो। तो चार्ज पार्टिकल नीचे गिर रहा है, बी इस तरीके से है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? बी की वैल्यू गिवन है, आपको बताना है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगी, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बी क्यू बी साइन 90 क्यों इसमें? क्योंकि बी में और वी में एंगल क्या है? 90। बी क्यू बी साइन 90। आपको इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में चार्ज और प्रोटोन भी पता है, आपको वेलोसिटी नहीं पता। वेलोसिटी की जगह आपको क्या गिवन है? एनर्जी। और एनर्जी कौन सी होगी मूविंग चार्ज पार्टिकल की? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई। तो जूल में एनर्जी निकाल लेंगे, दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके मास ऑफ प्रोटोन पता है, सॉल्व करके वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी से क्या निकलेगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी से फोर्स निकलेगी। और लास्ट में ये पूछा गया है कि डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स की डायरेक्शन में जाने से पहले आपको ना पूरे 2 महीने में, अगला 1 महीना और पिछला 1 महीना, 4 रूल्स सीखने को मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 आपने कर लिए, क्या किया आपने? एक स्ट्रेट वायर के अंदर अगर करंट है और आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपने वो देखा कि करंट के साथ थंब रखो बी कैसे निकलता है, पहला रूल आपको आ गया। दूसरा रूल, अगर वायर गोल है तो 4 फिंगर करंट के साथ और थंब आपको बी देगा। तो पहले 2 रूल आपको किसकी डायरेक्शन दे रहे हैं? बी की, मैग्नेटिक फील्ड की। तीसरा रूल सुन लो, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और आपको फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, किसकी डायरेक्शन? फोर्स की। पहले 2 रूल किसकी डायरेक्शन देते थे? मैग्नेटिक फील्ड की, बी की। तीसरा रूल जो सिखाने जा रहा हूं वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है? फोर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ना आई अगले 10 दिन के 10 दिन खराब है आपके, एक न्यूमेरिकल ठीक नहीं होगा टेस्ट के अंदर, गारंटेड है। तो चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। फ्लेमिंग को याद रखना है और हाथ अपना यूज करना है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आपने अपनी 3 फिंगर को ऐसे रखना है, बना लें प्लीज। बहुत लोग उल्टा सीधा बनाते हैं, लगाना नहीं सीखते, जर्मन ऐसे बनाना है लेफ्ट हैंड। कई लोग भूल जाते हैं और 90 डिग्री ऐसे करने लग जाते हैं, ये तो 90 है तो ये गलत है। तो आपने ऐसे करना है, फर्स्ट फिंगर आपकी तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। फर्स्ट फिंगर बी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, बी वेक्टर। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज? नेगेटिव नहीं बोला, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
थंब आपको फोर्स देगी, करें फर्स्ट फिंगर बी, फर्स्ट फिंगर बी सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का है नीचे, तो फोर्स का है आपकी तरफ, ये फोर्स है। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ये बी, ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब बाहर। अब अगर नॉर्थ साउथ नॉर्थ इस तरफ है तो ईस्ट वेस्ट ऐसे होगा, तो बाहर की तरफ ईस्ट है तो आंसर कहां आएगा, ईस्टवर्ड। तो अगली बार हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाना है यहीं से स्टार्ट करेंगे, अगली बार फिर से एक बार टेस्ट देखेंगे।